दोस्तों, अगर आपको याद हो तो बचपन में जो जो हम बड़े होते गए थे और प्राइमरी स्कूल से निकलकर सेकेंडरी स्कूल में आए थे, तो उसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे साइंस एक्सपेरिमेंट सीखे थे। जैसा कि पानी के भरे एक ग्लास के ऊपर पेपर रख कर अगर उसे उल्टाया जाए तो पानी इस ग्लास में से नहीं गिरेगा। और ये ट्रिक हम अपने छोटे बहन भाई, कजन्स और दोस्तों को दिखाकर उन्हें हैरान कर दिया करते थे। खैर, वो तो थे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देंगे। दोस्तों, सबसे लास्ट पर जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जानने वाले हैं वो सच में अनबिलीवेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वर्सेस ऑरेंज। दोस्तों, क्लोरोसल्फोनिक एसिड इतना खतरनाक एसिड है कि ये जहां भी गिरता है उस चीज को जलाकर राख कर देता है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री फ्लिक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पर भी किया गया, जिसमें एक संतरे पर इस वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को डाला गया और हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों, ये थोड़ा सा एसिड पूरे संतरे को बर्बाद करके रख देता है। तो अब जरा इसी तरह के एक और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड के जलवे भी देख लें। यार, ये चम्मच मेटल का था, लेकिन फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड के अंदर डालते ही ये पिघल कर गायब हो गया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये एसिड इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो ये इस ग्लास को मेल्ट क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई ग्लास नहीं बल्कि एक स्पेशल किस्म के प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया कंटेनर है, जिसे टेफ्लॉन कंटेनर कहा जाता है। नंबर 2, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर सोकर। दोस्तों, पानी वाली पिस्टल बचपन का यादगार खिलौना, जिसकी मदद से हम अपने दोस्तों के फेस पर पानी फेंका करते थे, ये तो सभी को याद ही होगा। लेकिन अब जिस पानी वाली पिस्टल को आप देखने जा रहे हैं, इसे किसी के फेस पर तो क्या कहीं पर भी नहीं चलाया जा सकता। और उसकी रीजन ये है कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, जिसकी वजह से इसका नाम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर सोकर रखा गया है, जिसे मार्क रॉबर नाम के एक यूट्यूबर ने खुद बनाया था, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसे किसी इंसान पर चलाया जाए तो ये उसकी स्किन को फाड़ सकती है। दोस्तों, इस गन को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया था, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुई तो ये इतनी पावरफुल निकली कि एक ही झटके में कोका कोला कैन तक को भी फाड़ देती थी। इसकी पावर के कुछ नमूने आप भी देखें। नंबर 3, दोस्तों, आपने अक्सर ही एक्शन मूवीज में देखा होगा कि हीरो एक तलवार के साथ गोली के दो टुकड़े कर देता है। इसी को देखते हुए स्लोमो गाइज नाम के यूट्यूब चैनल ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने कुल्हाड़ी लेकर उसे एक जगह पर फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ एक पिस्टल को फिक्स करके एग्जैक्ट इस कुल्हाड़ी के ऊपर गोली चलाई। और हैरानकुन बात है कि ये गोली दो हिस्सों में कट गई। ये एक्सपेरिमेंट सच में लाजवाब है। नंबर 4, 100 चार्जर्स इन एन आईफोन। दोस्तों, आजकल के फोन्स में फास्ट चार्जिंग आने लगी है, जिसके चलते ये फोन मिनटों में फुली चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर हम एक आईफोन के साथ 100 चार्जर्स कनेक्ट करके उसे चार्ज करें और वहीं सेम टाइम में वैसे ही एक और आईफोन को सिंपली एक चार्जर के साथ ही चार्ज करें तो क्या होगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन सा फोन जल्दी चार्ज होगा? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जिस फोन को 100 चार्जर्स के साथ कनेक्ट किया गया था वो 50% की चार्जिंग दूसरे के मुकाबले जल्दी ही कर लेता है और 100% तक पहुंचते इन दोनों में तकरीबन 5% का ही डिफरेंस आता है, जो कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है।
खैर जो भी हो, लेकिन इन 100 चार्जर्स को एक ही फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो तरीका बनाया गया था वो सच में अमेजिंग था। नंबर 5, स्पिनिंग बुलेट ऑन आइस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी बर्फ से जमी हुई झील के ऊपर एक बुलेट को फायर किया जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो देखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। असल में ऐसा करने से गोली उस झील की सरफेस के ऊपर तेजी से एक लट्टू की तरह घूमना शुरू हो जाएगी और बहुत देर तक ऐसे ही घूमती रहेगी। नंबर 6, एल्युमिनियम इन आर्ट्स हिल। दोस्तों, अक्सर ये जो जमीन पर मिट्टी के छोटे छोटे ढेर होते हैं, असल में ये चींटियों के रहने की जगह होती है। जमीन के नीचे ये चींटियों की पूरी एक दुनिया होती है जिसमें हर चींटी के रहने के लिए एक अलग कमरा बना होता है और इन्हें चैम्बर्स कहा जाता है। चींटियों की इस पूरी एक दुनिया के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आंट हिल आर्ट नाम के एक यूट्यूबर ने इनके खाली पड़े एक घर में एल्युमिनियम को लिक्विड फॉर्म में डाला और फिर इसे बाहर निकालकर इसे वॉश किया तो इन चैम्बर्स को देखकर सभी हैरान रह गए। चींटियों की ये छोटी सी दुनिया किसी भूल भुलैयों से कम नहीं होती। नंबर 7, मैचस्टिक्स वर्सेस फिश। तो दोस्तों, फाइनली अब हम सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने मछली पकाने का एक अलग ही तरीका सोचा। इन्होंने एक मछली को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके उसे ढेर सारी माचिस की तीलियों के ऊपर रख दिया और फिर इन्हें आग लगा दी। दोस्तों, आग बुझने के बाद इन्होंने जब मछली को फॉइल में से बाहर निकाला तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी थी, जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग था। और इसी के साथ इन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। इनमें से आपको कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।